नमस्कार, जीवन रास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले की नावा सिटी से है, जहां कोई गरीब भूखा नहीं रहे और भूखा नहीं सोए। ऐसी धारणा से ओतप्रोत भामाशाह पद्मचंद राजरानी गंगवाल ने प्रतिदिन 100 लोगों को खाना खिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि अपने पिता स्वर्गीय भवरलाल गंगवाल की पुण्य स्मृति में वे माता सौभाग्य देवी की प्रेरणा से नावा में एक माह तक 100 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने का प्रण लिया है। संत गोपाल गौशाला के सहसंचालक ऋषभ चंद गंगवाल ने बताया कि जैन सोशल राजस्थानी ग्रुप द्वारा मानव सेवा का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत बाहर महीनों में बाहर शहरों में 365 दिन वात्सल्य भोज करवाया जा रहा है। गत माह JSG नॉर्दर्न रीजन के तत्वावधान में रीजन कोऑर्डिनेटर राकेश समता गोदीकर तथा जैन सोशल ग्रुप राजधानी जयपुर ग्रुप कोऑर्डिनेटर सुरेश शांति भोज के निर्देशन में जुलाई माह सिक्कर में एवं अगस्त माह सुजानगढ़ में एवं सितंबर को नावा में भोज का कार्यक्रम चलेगा। ग्रुप अध्यक्ष अरुण पाटनी, सचिव दिलीप जैन टक्साली ने मीठड़ी भामाशाह के निवास स्थान पहुंचकर माता सौभाग्य देवी भामाशाह पद्मचंद राजरानी गंगवाल महावीर प्रसाद पारसमल ऋखभ चंद राजमल प्रकाश चंद बिमल चंद गंगवाल का माला पहनाकर एवं सापा वंदन कर सम्मान किया गया। इसके साथ भामाशाह पद्मचंद गंगवाल ने बताया कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गरीबों की अधिक से अधिक भलाई कैसे हो और उनकी हम लोगों कितनी सहायता कर सकते हैं ये करें, ऐसी सोच से हमें अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमें ऐसी प्रेरणा हमें हमारे बुजुर्गों से मिलती है। उनके अच्छे संस्कार का ही परिणाम है कि हम गरीबों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैन सोशल राजधानी जयपुर ग्रुप द्वारा इस पुनीत कार्य के लिए नावा में बिमल चंद गंगवाल व अक्षय काला को संयोजक नियुक्त किया गया। गंगवाल परिवार द्वारा मानव मात्र की सेवा किए जा रहे कार्य के लिए क्षेत्रवासियों ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। नावा से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।